लाफ्टर शेफ्स के शूट की शुरुआत हो चुकी है और सभी ऑलरेडी काफी ज्यादा मस्ती के मूड में नजर आए। जहां रीम शेख को सुबह सुबह अपने आउटफिट को लेकर काफी ज्यादा परेशानी हुई, वहीं निया शर्मा अपना ये मेकअप करवाती नजर आई और बॉडी टैटू करवाकर मुंबई में ही गोवा की वाइब्स को एंजॉय करती दिखी। इसके ऊपर से निया शर्मा ट्विन करती नजर आई अपने बेस्ट फ्रेंड अर्जुन बिजलानी के साथ। दोनों पैप्स के साथ मस्ती करते भी नजर आए और अर्जुन तो ये भी कहते दिखे कि एक ही कपड़े में से अर्जुन और निया दोनों की ड्रेसेस बनी हुई है। इवन वो निया की ड्रेस का मटेरियल भी चेक करते दिखे एंड एक्चुअल में दोनों का मटेरियल, कलर सब कुछ एकदम सेम है। इसके अलावा सेट पर दिखे करण कुंद्रा जो नजर आए एक पिंक टोन की शर्ट में, जो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। वहीं अनलाइक लास्ट एपिसोड, अली गौनी वापस से लौट आए हैं लाफ्टर शेफ के सेट पर, क्योंकि लास्ट टाइम वो अपने होम टाउन में थे, इस बार वो मुंबई पहुंच गए शूटिंग करने के लिए। इसके अलावा कृष्णा और कश्मीरा को भी कलरफुल आउटफिट्स में कैप्चर किया गया, जहां कृष्णा ने पिंक पहना, कश्मीरा ऑरेंज में नजर आई। जन्नत जुबेर भी कलर ब्लॉक पैटर्न को फॉलो करती हुई दिखी और उन्होंने नियॉन ग्रीन कलर का प्लाजो पहना विद दिस लैवेंडर टॉप और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर देखा गया अंकिता लोखंडे को ब्लैक कलर की क्रम्पल ड्रेस में। वहीं रीम ने जो फाइनली आउटफिट पहना वो था ब्लैक शॉर्ट ड्रेस विद अ बेज कलर्ड ब्लेजर, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लग रही थी। सभी के सभी बहुत ज्यादा फन मूड में नजर आए शूट से पहले और शूट देखने के लिए भी फैंस एक्साइटेड रहते हैं, जिसकी ग्लिम्सेस भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।